जराजीर्ण अवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय गछमूले हेउछि शिक्षादान थरे देखन्तु ए चित्रकु आठटी श्रेणी को दुईटी गृह केमिति चालिछि शिक्षा व्यवस्थार वास्तविक अनुमेय कोटगड़ ब्लक सुवर्णगिरी पंचायत बांदीगुड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय 1968 मसीह प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा लाभ कर दीर्घ 56 वर्षर विद्यालय एवं निज अस्तित्व हर विद्यालय भित्तिभूमि विकास राज्य सरकार 5G योजन विद्यालय को स्मार्ट स्कूल रे रूपांतरित किंतु आज भी बांदीगुड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय भौगोलिक अवस्थित कौन परिवर्तन आसीना वर्षा हेले श्रेणी गृह रे पानी पड़े विद्यालय बारंडा रे पिला माने पाठ पढ़ती श्रेणी ग्रहण आउने व्याम घर बेसी पुराना है जाई छे स्कूल रा व्याम सर को बेसी डर लागो से तो गच मूल रे पड़ी आ हम स्कूल रे अष्टम श्रेणी जाय अछि हम स्कूल रे पाठ पढ़बा कष्ट होउछि अष्टम श्रेणी जाय दुईटा रूम अछि किंतु पाठ पढ़बा कष्ट होउथिबा पाई हम को सर माने गच मूल रे पाठ पढ़ौछन्थि एबे जो पुराना बिल्डिंग टा पुराना श्रेणी कोठरी दुईटा पूरा डैमेज हेछि जहाँ फल छात्र छात्री को भयभीत लगुच आमको भयभीत लगुच फल छात्र छात्री को स्कूल गूल शिक्षा दान कर प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी को मात्र दुईट श्रेणी गृह प्रथम अष्टम पर्यंत समुदाय 81 छात्र छात्री अध्ययन करु आज पर्यंत विद्यालय को जीवाई एक स्थायी रास्ता देखो सर आम स्कूल एक रु आठ पर्यंत श्रेणी अच्छी किंतु श्रेणी गृह अभाव दुईट श्रेणी कोठरे गृह अच्छी किंतु बहुत अभाव असुविधा होलांर पाठ पढ़ारे आई असुविधा सम्मुखीन करुचु बहुबार आम क्लासरूम अभियोग करूँ विडीओ को टीपी सी को कलेक्टर को चेयरमैन यहीपरी अनेक ऑफिस आम आप्लिकेसन बढ़ेचु तथापि आज पर्यंत जेकोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करना तथापि पाने कष्ट मष्ट जमीक भी दुख सुख हो पढ़ुंट किंतु आपा माँ अभोग जे अभिभावक अभोग जे ए विद्यालय पढ़ा पाई विपदजनक बोलिकी से मैंने अभोग कर जगह से पिस्थित बहुत सांघातिक से जोटा कि आउ नुआ घर निर्माण होती स्कूल संपूर्ण शेष है ना सेटा अधरिया होकर रहीगला से राज्य सरकार आमको से स्कूल को डीपीपी चेस्टा करा करदे आम गाँव लोक पाने उपकृत हे आम ए समस्या नहीं भेटी कोटगड़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रदीप गड़ते विद्यालय मरामती जिला प्रशासन को अनुरोध करमेरा सम्मुखें सूचना देते कंधमाल बालीगुड़ रामानंद घड़ाई रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।